पढ़ने स्टोर में रावी छुपाएगी मामी से और सब घर वालों से ये सच कि शिवा जिंदा है। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा शिवा और रावी दोनों की मुलाकात मामी के घर में हो जाती है और उसे सामने देखकर रावी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि मामी उन दोनों को साथ में देख लेती है और उसके बाद में वो कहती है कि यानी कि ये शिवा जिंदा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये नौटंकी शुरू करेगी रावी यहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती है कि शिवा तो कहीं नहीं है और वो यहाँ पर नाटक करते नजर आएगी कि शिवा जिंदा नहीं और ना ही उसे दिखाई दे रहा है। और वो मामी को बेवकूफ बना कर यहाँ पर मामी तो शिवा को देखकर बेहोश हो जाती है। उसे लगता है कि यहाँ पर भूत खड़ा है और वो भूत के मारे यहाँ पर बेहोश हो जाती है और भागकर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मामी यहाँ पर पहुंचेगी रिशिता और रावी के पास में और वहाँ पर भी तमाशा खड़ा कर देती है। अब रावी के सामने यहाँ पर घर वाले भी नाटक करते नजर आएंगे कि शिवा जिंदा नहीं है, जबकि शिवा आसपास से सामने ही भटक रहा होता है। यानी कि घर वालों के सामने भी अब शिवा आ जाएगा और घर वालों को पता चल जाएगा कि शिवा जिंदा है तो फाइनली घर में खुशियां लौटेगी। लेकिन दूसरी तरफ मामी यहाँ पर भूत भूत खेल कर काफी तमाशा कर देगी, लेकिन जल्दी उसके सामने सच आएगा तो वो शिवा के खिलाफ कंप्लेन भी कर देगी, जिसके चलते में पूरा परिवार मुसीबत में आ जाएगा।